वॉज अ सिमिलर टॉप इफ यू गाइस रिमेंबर जिस पे बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी, मैंने उसी टॉप पे एक साड़ी डाल ली। और ये भी कहना चाहूंगा दी गिविंग अ बोल्ड स्टेटमेंट और यू नो हैविंग दिस काइंड ऑफ अ फैशन सेंस दैट इट हेल्प आउट इन द लॉन्ग रन। आपको लगता है आपका आई डोंट केयर इफ इट हेल्प्स, आई हैव नेवर थॉट दैट वे, आई वेयर व्हाट आई वांट टू वेयर, लाइक व्हाई डू यू ईट इफ यू वांट टू लिव, दिस इज हाउ आई एम, आई डोंट रियली इतना सोचती होती ना मैं तो फिर तो प्लीज आई का ही होती आज क्या नहीं ऐसे कुछ नहीं है, मोस्टली इंडियन एंड रिसेंटली would like to say something about it that went very well. उस टीशर्ट के बाद कुछ बोलने की जरूरत है, उस टीशर्ट ने सब बोल दिया। Even after your Q&A round there was one guy asking you about it, the same question which you had repeated. मैं मर भी जाऊंगी तार सब शायद तब भी बोले हुए एक बंदा पूछेगा मेरी कब्र पे कि अरे ये जावेद अख्तर जी बोलते कि डेथ हो गई। You know how many questions I get, you know how many of them are explicit. मैंने शायद लाखों शेयर नहीं किए हैं because I can't, it's not allowed on Instagram. और ये भी कहना चाहूंगा एक प्रोग्राम ने शिकायत की बात की तो डू यू फेयर विद मी गाइस, आपको लगता है कि उसे लगता है कि आपने कहा क्या फेयर लगता है आपको किसी प्रोडक्ट से कुछ शिकायत करे आपके शिकायत मेरे अब्बा थोड़ी है कोई मेरी सास है क्या मुझे क्यों डर लगेगा रैंडम लोगों के कमेंट से इंस्टाग्राम में हो गया 1920s की सास हो गई भाई कोई ना कोई कुछ कॉन्ट करके चला ही जाता है डर क्यों लगेगा मुझे यार मैंने अपने काम वाम का निकला दी जब आएगा तुम लोग देख लोगे अभी चार बातें बोल दूंगी कैंसिल हो जाएगा मेरी बेइज्जती होगी मैं कुछ नहीं बता रही जब जैसे जैसे आएगा आप